बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुनाफिक इंसान की निशानियों के बारे में और कैसे आप मुनाफिक इंसान से बच सकते हैं। खुदा की कसम, इन लोगों से बचना बड़ा मुश्किल काम है यार। कोशिश यही होगी कि मैक्सिमम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएँ ताकि आप भी इन लोगों से बच सकें। इवन मैं तो कभी ज़िंदगी में ना बच सका, अब बच जाता हूँ। अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ होती है सुबह उठते साथ ही कि अल्लाह मुझे जब भी बचाई, अल्लाह मुझे इन मुनाफिक लोगों से बचाएं, ये बड़े जालिम लोग होते हैं, खुदा की कसम इनके दिल में रहम नहीं होता। तो वीडियो का आगाज़ मैं एक बहुत अहम हस्ती से करना चाहूँगा, एक ऐसी हस्ती जिसने मुझे मुनाफिक इंसान की निशानियाँ क्या क्या होती हैं उसके बारे में समझाया और मुझे इस मुनाफिक पन से आप कैसे बचें इसकी 7 साल ट्रेनिंग दी और मैं इसमें PhD कर गया। ये पूरी एक इंस्टीट्यूट थी जिनकी जो प्रिंसिपल थी, वो पूरी एक फैमिली थी इनकी और जो मेरी टीचर थी, मैं थैंक यू करता हूँ स्पेशली उन टीचर को कि जिन्होंने मुझे बताया कि मुनाफिक इंसान की क्या क्या निशानियाँ होती हैं। तो मिस, जब भी कभी ज़िंदगी में आप ये वीडियो देखें, ये वीडियो आपको मैं डेडिकेट करता हूँ। आपने मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा दिया आपके जाने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी भी किसी मुनाफिक इंसान से उस तरह डंग नहीं खाया जिस तरह आपसे खाया। एक होता ना, जब आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में किसी जगह जाते हो तो सेमेस्टर सिस्टम होता है, कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, कौन कौन से कोर्स होंगे, उनके ना आउटलाइंस क्रिएट किए गए होते हैं। वेल, मैं जब इसी इंस्टीट्यूट में आया, जो 7 साल का एक PhD कोर्स था, उसमें ना रोज़ नया कोर्स होता था, रोज़ नई चीज़ होती थी, रोज़ नया रोना धोना, रोज़ नई प्रॉब्लम्स, और उसके बरक्स उसमें क्या लर्निंग मुझे मिलती थी। एक तो बहुत ज़्यादा इमोशनली पेन, मेंटली स्ट्रेस, और बहुत ज़्यादा जो थी वो एक डिप्रेशन की कैफियत, और रोना धोना बहुत ज़्यादा। तो ये पूरी एक 7 साल की डिग्री थी जिसमें उस इंस्टीट्यूट ने समझा कि यार ये बंदा फेल है, ये तो नहीं कामयाब हो सकता, इसको निकाल दो, और क्योंकि ये एक्सपायर हो चुका है। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी मुझे बचा लिया। अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला के एहसान है, कल को मैं जब किसी नाम मुकाम पर पहुँचूँ तो मेरी ये वीडियो जब उन प्रिंसिपल के सामने, उनकी इंस्टीट्यूट के सामने जब ये जाए, तो इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं किसी को बुरा नहीं कहता। बुरा दर हकीकत इंसान खुद होता है जो दूसरों पे यकीन कर लेता है। तो हमने भी यकीन किया, हमें क्या मिला, और मुनाफिक बदले में आपको देता ही क्या माँ सिवाय दुख के। तो दिस इज़ वीडियो जस्ट फॉर यू। कल को कभी भी आप ये वीडियो देखें तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे ज़िंदगी में इतना कुछ सिखा दिया कि अब जो भी कोई मुझे डिच करने आता है, मुझे तंग करने आता है, मुझे दुख देने आता है, अजियत देने आता है, तो आपके बताए हुए फार्मूले मेरे बड़े काम आते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को सीखने के लिए पैदा किया। ये जो भी बुरे इंसिडेंट्स हमारे साथ होते हैं, दर हकीकत ये हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, समझाने के लिए आते हैं। तो अब ये आपके ऊपर होता है, या तो आप इनसे कुछ सीख लें, समझ लें, नहीं तो फिर वरना जो बुरा हो रहा है वो तो यूं ही बुरा होता रहेगा। वेल, आप जितने मर्ज़ी PhD कर लें, जितने मर्ज़ी जो मर्ज़ी कर लें, मुनाफिक इंसान हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरीक़ों से आते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से। हर बंदे का टारगेट करने का अंदाज़ आपको डिफरेंट होता है, इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक निशानियां नहीं है। वेल, इस वीडियो में मैंने जो सिम्टम्स इनके बताए हैं, सिम्टम्स इन अ सेंस जो इनकी निशानियां बताई हैं, वो थोड़ी चंद ही बता सका हूँ मैं, अदरवाइज़ इनके अंदर तो बहुत ज़्यादा क्रिएशंस होती हैं। ये ऐसे लोग होते हैं कि आप इनको पहचान नहीं सकते, क्योंकि इनका अपना कोई रंग नहीं होता, इनका रंग आपका रंग होता है। तो इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ मैं कि काफ़ी चीज़ें आपको कवर अप हो जाएंगी। वेल, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। देर आर द सो मैनी स्टोरीज के यार इतने लोग हैं जो ऐसे ऐसे तरीके से मुनाफ़त करते हैं कि आप हैरान हो जाएं। तो एक छोटी सी स्टोरी आपकी नज़र, ये मेरी टीचर की नहीं है, अगर मैं अपनी टीचर की बताऊँ तो फिर गलत बात हो जाएगी, मैं किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, लेकिन इतना बता दिया उन लोगों के लिए कि जो मुझे समझते हैं कि ये बिल्कुल ही कोई जो है ना, जैसे मेरी बेगम अक्सर मुझे कह देती हैं कि आप बड़े यकीन कर लेते हैं लोगों पे। मैं यकीन नहीं करता, मैं लोगों को टेस्ट करता हूँ। बस मेरा टेस्ट करने का अंदाज़ ये होता है कि वो समझते हैं शायद वो जीत गए। अगर आपने मुनाफिक से सच में जो ना पीछा छुड़ाना ना, तो ये एक मेरी टिप याद रखिएगा, आप उसे थोड़े लम्हे के लिए बता दें कि वो जीत गया, फिर वो आपको बताएगा कि वो चाहता क्या था आपसे। वेल, इस पर मैं लेटर ऑन बात करता हूँ। अब मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। दर्जनों स्टोरीज़ हैं, हज़ारों, दर्जनों भी नहीं, हज़ारों स्टोरीज़ हैं। मैं लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को सीखता रहता हूँ, छोटे
मैं लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों से सीखता रहता हूँ, इंसिडेंट्स को जोड़ता रहता हूँ कि ये हुआ था तो क्यों हुआ था, तो वो हुआ था तो क्यों हुआ था, और आगे क्या होगा लाइफ में। ये मेरी एक आदत है, अच्छी कहें या बुरी कहें, व्हाटएवर जो भी कहें। कुछ दिन पहले एक लेडी ने मुझे बार बार कॉल्स की, मैसेजेस किए कि मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। तो मैंने पूछा कि आपको क्या है, मसला क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। तो उन्होंने कहा जी कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, मारते हैं। उन्होंने अपनी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स की मुझे तस्वीरें भी भेजी कि ये देखे, मुझे मार मार के नील डाल दिए। तो मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा ना, एक होता ना, अच्छा मेरी एक आदत ये है कि यार जब कोई बंदा मुझे अपना दुख बताता है ना, ये शायद आप कह लें कि मेरी वीकनेस है, तो मैं उसके दुख में ना मतलब इतना हो जाता हूँ कि मैं अपना दुख भूल जाता हूँ। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि यार मैं उस इंसान की मैक्सिमम मदद कर सकूँ, ये शायद मुझे लगता है मेरी वीकनेस है, और जिससे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं स्पेशली लड़कियाँ बहुत फ़ायदा उठा लेती हैं। ख़ासतौर पे लड़कियों में ये मुनाफ़िकत की जो है ना वो ज़्यादा होती है, माजरत के साथ। आल्दो के औरत को कहने का बुरा, हाल्दो की औरत को बुरा नहीं कहना चाहिए, बुरा तो बैकेंड पे वही मर्द है जो उसके साथ लिंक था, जो उसके साथ एसोसिएट था। लेकिन औरतों को ख़ुद भी ख्याल करना चाहिए, लड़कियों को ख़ुद भी ख्याल करना चाहिए। तो उस लड़की ने कहा कि मेरा शोहर मुझ पे बड़ा जुल्म करता है, हमारी शादी को काफ़ी अरसा हो गया, मेरा शोहर जो है वो मेरे साथ कभी भी खुश नहीं होता, हमारी 3 बेटियाँ हैं और मैं बड़ी दुखी हालत में हूँ, बड़ी बुरी हालत में हूँ। मैंने कहा अच्छा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप बस मेरी इस इंसान से जान छुड़ा दें, मेरी खुला करवा दें। मैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इससे खुला भी ले सकूँ, ये करूँ, और ये मुझे खुला देता नहीं है, जब मैं इससे खुला मांगती हूँ तो ये मुझे मारना शुरू कर देता है। लिटरली मैं सोच में पड़ गया यार कि कोई इंसान इस हद तक भी गिर सकता है। मैंने यही इशू अपनी लीगल टीम से डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि आप इनके फ़लाँ फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स ले लें, तो इंशाल्लाह लजीज़ हम जो है ना जहाँ तक इनके लिए कर सकते हो हम ज़रूर करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है आप मुझे ये फ़लाँ फ़लाँ अपने डॉक्यूमेंट्स दे दें। उन्होंने मुझे फ़लाँ फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स दे दिए। मैं इस दौरान कहता रहा कि अगर आप कहें तो मैं आपके हस्बैंड से बात करता हूँ और मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मोहतरमा ने मुझे नंबर नहीं दिया। और वो जब भी करती अपने शोहर की इतनी बुराइयाँ करती कि यार मुझे भी बड़ा गुस्सा आता कि बींग अ मैन यार कैसा घटिया इंसान है। तो मैंने जब वो डॉक्यूमेंट्स देखे तो उनमें एक जगह ना हस्बैंड का नंबर लिखा हुआ था। मैंने कॉल की, मैंने कहा यार एक दफ़ा मैं समझाता हूँ भाई को कि भाई तेरी मेहरबानी यार, क्यों तो अपनी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, 3 तेरी बेटियाँ, कोई ख्याल कर, कोई हया कर, कोई शर्म कर, क्यों तो उन लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करने पर तुला हुआ। मैंने कॉल की, हेलो किया, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया सारा कि जी मैं फ़लाँ फ़लाँ बंदा हूँ, तो आपकी बेगम का फ़लाँ तरीके से हमारे पास केस आया, हम जा रहे हैं, अगर आप ना सुधरे तो आपके खिलाफ जो है ना वो एक होगा, इस तरह होगा, और हम उनकी साइड लेंगे, उनकी फेवर करेंगे, आपके खिलाफ जो भी होगा आपकी कोई फेवर नहीं की जाएगी। थोड़ी सी बात हुई, तकरीबन 2 मिनट बाद वो बंदा इस कदर ज़ारो कतार रोने लग पड़ा, उसने फिर सारी स्टोरी बताई। जब वो स्टोरी उसने बताई, खुदा की कसम मेरी ज़मीन होती है ना जैसे आप पाँव से निकल जाने वाली कैफियत वो हो गई। मैंने कहा यार एक औरत इस हद तक जा सकती है, उसकी क्या स्टोरी थी। स्टोरी बड़ी दर्दनाक थी, बड़ी भयानक थी, लेकिन बात यही थी कि वो औरत झूठ बोल रही थी, वो सरासर मुनाफ़िकत कर रही थी और हमें भी गुमराही का रास्ता दिखा रही थी, असल बात नहीं बता रही थी। हकीकत इन शॉर्ट यही थी कि उस लड़की का जो ताल्लुक था एक और मर्द के साथ था, और वो जो औरत थी वो इस चीज़ पर बाजिद थी कि मुझे इससे जो है ना वो खुला लेनी है, तलाक नहीं लेनी। और इसके घर वाले भी इसके साथ नहीं थे, सिर्फ माँ इसके साथ थी। अब वो जो था लड़का, उसके शादी से पहले इसके साथ चक्कर था, शादी के पहले अफेयर था, वो अमीर हो गया, और जिस मर्द के साथ इसकी शादी हुई थी वो गरीब था। अब इसके अंदर एक दौलत का जो होता है ना अक्सर लड़कियों के अंदर आ जाता है, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होती थी। और वो जो मर्द था, जब ये मैंने उसको भी इन्वॉल्व किया, तीनों को मामला सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, फिर पता चला कि उस बेचारे का भी कसूर नहीं था, कसूर इसका था कि ये उसको भी तंग कर रही थी कि मुझसे शादी करो, मेरा शोहर मुझे बड़ा मारता है। फिर जब उसको भी पता चला कि इस शोहर तो बेचारा इसका ऐसा है ही नहीं, यार एक मजदूर टाइप बंदा क्या कर सकता होगा अपनी बीवी के साथ, वो सारा दिन तो मजदूरी करके आता है, घर में आता है तो क्या करता है। तो ये गुर्बत के हाथों तंग आके ये सब चीज़ें कर रही थी। अब लिटरली मैंने इन सब लोगों को आमने सामने बिठाया, पहले तो वो लड़की मान नहीं रही थी किसी चीज़ को, फिर जब मैंने आमने सामने बिठाया और वो लड़की के आंसू इतने ज़्यादा थे, मैं हैरान था कि यार ये जो ड्रामों में होता है ये लोग तो मेडिसन्स यूज़ करते हैं और लड़कियों के नेचुरली इतने आंसू निकल आते हैं, मैं हैरान। और वो लड़की सच नहीं बोलती थी, वो बात बात पे झूठ बोलती थी, और उसका वालिद जो था वो इतना मजहबी इंसान, बस वालदा की हलाशेरी ने उस लड़की को ख़राब कर दिया। और
यार आप जो मर्जी कर लो, आप इन लोगों की पकड़ से नहीं बच सकते। इनकी पकड़ से निकलने का एक बेहतरीन तरीका यही है भाई, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। पहली चीज़, इनके मकासद जान लो। मुझे भी बहुत सी लड़कियाँ को कॉन्टेक्ट करती हैं जी, बड़ी चीज़ें होती हैं, बातों में नरमी होती है, प्यार मोहब्बत ये चीज़ें आती हैं। मुझे पहले उनका मकसद क्लियर होना चाहिए कि उनका मकसद क्या है, ये मुझसे क्या लेना चाहती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो चीज़ें वो चाहती हैं वो मैं चीज़ें उनको नहीं कर सकता। कुछ लोगों के मकसद जानने के लिए मुझे थोड़ा सा उनके साथ डीप होना पड़ता है कि भाई ये इसका मकसद क्या है। देखिए, हर बंदे को आप झूठा नहीं समझ सकते और हर बंदे को आप सच्चा नहीं समझ सकते। आपने झूठे बंदों में से सच्चे बंदे को तलाशना है और सच्चे बंदों में से झूठे बंदे को तलाशना है, तो ये आप फिगर आउट कर सकेंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन आप वो वाला फार्मूला ना लगाएं कि जो हर बार आपने झूठे बंदे पे लगाया तो जिससे आपका जो सच्चा बंदा था वो भी झूठा हो जाएगा, और जो झूठे बंदे पे आपने फार्मूले लगा के जिसको सच्चा कर लिया, इस तरह तो आप झूठे बंदे को भी सच्चा कर लेंगे। तो मेरा फार्मूला लगाने का एक ही तरीका है भाई, जो वो चाहता है उसको पहले धो थोड़ी देर के लिए, फिर वो तुम्हें अपने मकासद बताएगा कि वो इससे आगे क्या चाहता है। देन ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन, ब्लॉक, कॉन्टैक्ट खत्म कर दें भाई। इनके हाथ जोड़ो इनके आगे और माफी मांगो इनसे, को सरकार तुसी जीते असी हारे, आप ले लें जो आपको चाहिए। खुदा की कसम, ये ऐसे लोग होते हैं दो मिनट में आपको शीशे में उतार देते हैं, दो मिनट में। आपको लगता है कि जो आप इनके बारे में सोच रहे थे ना वो गलत था। हमाकत कभी ना करिएगा, इन लोगों को दूसरा चांस ना दीजिएगा। खुदा की कसम, मैंने देख के देखा है जिंदगी में, ना ये सुधरते हैं ना ये बदलते हैं, आपको पहली बार से ज्यादा दूसरी बार ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो बेटर इज दिस भाई, माफी मांगे, मैं माफी मांग लेता हूँ जो आता है, मैं कहता हूँ भाई आप जीत के जाएं, जाएं आप, मेहरबानी आपकी, लीव देम, ब्लॉक देम, पास दैट्स इट। अब मैं ना कुछ निशानियाँ आपको बताने लगा मुनाफिक लोगों की। वैसे तो इन लोगों की बड़ी निशानियाँ होती हैं, आप 2, 4, 20, 10 नहीं बता सकते। ऐसे लोग ना, इनके मफादात पे डिपेंड करता है। कुछ लोग हुसन परस्त होते हैं, कुछ लोग दौलत परस्त होते हैं, कुछ लोग जिस्म परस्त होते हैं, कुछ आपकी आपकी दोस्ती से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, कुछ आपकी कंपनी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। हर बंदा जो है ना, इनके जो ये मुनाफिक लोग होते हैं ना, इनमें हर बंदे की डिफरेंट ही कैटेगरी होती है। मेन चीज़ होते हैं मफाद परस्त होते हैं, इनका आपके साथ जुड़ा कोई ना कोई मफाद जो है ना वो मफाद परस्त होता है। अच्छा, ऐसे लोग जो होते हैं ना, दौलत पसंद होते हैं, इनको पैसा बड़ा पसंद होता है। अगर तो आप अमीर हैं तो ये लोग आपके बड़े इर्द गिर्द आपके पास आ जाएंगे और हर गलत बात पर आपको अप्रिशिएट करेंगे। और नॉर्मली होता है ना कि हमें कोई गलत बात हो जाए तो जो हमारे सामने होता है वो कहता है यार ये आपने गलत किया, ये लोग आपकी गलत बात पे भी आपको सपोर्ट करेंगे, मतलब आपको हर बात पे सपोर्ट करेंगे और आपका एतमाद जीत लेंगे। ये आपका एतमाद सबसे पहले जीतेंगे, आपका एतमाद जीत के आपको बताएंगे कि ये आपसे चाहते क्या थे। ऐसे लोग हमेशा अपनी बात करेंगे, हमेशा अपनी बात, और ऐसे लोग हमेशा चाहेंगे कि सारे लोग इन जैसे हो जाएं। ये दूसरों के जैसे नहीं होना चाहेंगे, ये लोगों को खुद के जैसा करना चाहेंगे। ऐसे लोग जब भी बोलेंगे हमेशा झूठ बोलेंगे। ये लोग आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। हमेशा वादे करेंगे पर कोई भी वादा कभी भी वफा नहीं करेंगे। दूसरों में हमेशा कीड़े निकालेंगे और खुद की हमेशा अच्छी चीजें बताएंगे, अच्छी बातें बताएंगे। ऐसे लोग आपके मुंह पे आपके और आपके बाद हमेशा आपकी बुराई बयान करेंगे। ऐसे लोग आपकी मदद भी किसी लालच के बिना नहीं करेंगे, लालच होगा तो आपकी मदद करेंगे वरना नहीं करेंगे कभी। और खुदा की कसम ऐसे लोग रोएंगे, इतना रोएंगे कि बलीमी यार आप हैरान हो जाओगे कि यार ये तो सच बोल रहा है, मैं था बेवकूफ था जो मैं इन पे शक कर रहा था, मैं गलत सोच रहा था, यार ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता, बलीव मी ऐसा होगा। और ये यकीन करो, ये बड़ी ये वाला जो मुनाफिक बंदा होता है ना, ये बड़ा ख़तरनाक होता है जो रोने का हुनर रखता है, और ये लड़कियों में ज़्यादा होता है, सॉरी टू से, माजरत के साथ। ऐसे लोग खुद को सच्चा और आपको हमेशा झूठा करने की कोशिश करेंगे, ज़माने में आपकी बुराइयाँ और ख़ुद की अच्छाइयाँ बयान करेंगे। और ऐसे लोग ना कस्टमाइज्डबल होंगे, ऐसे लोग कस्टमाइज्ड हो जाते होंगे। कस्टमाइज्ड का मतलब आप समझते हैं ना, फ़र्ज़ करें आप कभी पेंट कोट ख़रीदने जाते हैं तो वो कोट की वो आप जब पहनते हैं तो वो देखते हैं आपको पहना के कि अच्छा फलां जगह से इसको थोड़ा सा तंग कर देते हैं, फलां जगह से इसको थोड़ा सा खोल देते हैं, बड़ा छोटा साइज़ हो जाता है, इनका भी बड़ा छोटा साइज़ हो जाता है। मतलब ये अगले बंदे को ना देख के अपना साइज़ डिफ़ाइन करते हैं, मतलब अगर कोई बंदा इनसे बड़ा है
तो ये उसके साथ मिल जाएंगे, और अगर कोई छोटा है तो ये उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगे, मतलब उसकी हर बात से जो है ना वो अपनी बात निकालेंगे, और इधर जो उसकी बात होगी उधर से अपनी बात निकालेंगे। ये बड़ा डेंजरस साइन है इन लोगों का। और एंड पे बोनस टिप है लड़कियों को भी लड़कों को भी, इनके व्हाट्सएप बड़े ज़्यादा होंगे, बड़ा झूठ बोलेंगे ये, और आपको यकीन कराएंगे कि एक ही व्हाट्सएप है और वो सिर्फ आपके लिए है। आपको यकीन कराएंगे कि एक ही नंबर है और वो सिर्फ आपके लिए है, और आपको यकीन दिलाएंगे कि एक ही फेसबुक है वो सिर्फ आपके लिए है। आप सारी ज़िंदगी यही सोचते रहेंगे कि यार वो तो एक ही फेसबुक था, यार वो तो एक ही व्हाट्सएप था, यार वो तो एक ही नंबर था, वो कभी बिजी भी नहीं गया। ऐसे लोगों के पास मुख्तलिफ व्हाट्सएप्स होते हैं, आपको पता है ना एक मोबाइल में दो व्हाट्सएप इंस्टॉल हो जाते हैं, तो फिर इनके पास एक बिज़नेस व्हाट्सएप भी होता है, और ये बिज़नेस व्हाट्सएप्स आपके लिए नहीं होता, ये होता है मेरे भाई का व्हाट्सएप था ये मेरी अम्मी का व्हाट्सएप था ये मेरे अब्बू का व्हाट्सएप था, तो वो किसी अम्मी अब्बू का नहीं होता, वो इन्हीं का होता है। मुनाफ़क़त औरतों में भी हो सकती है, औरतों में तादाद ज़्यादा है और मर्दों में भी हो सकती है। दोस्त ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मुनाफिक इंसान से बचते कैसे हैं। जितनी जल्दी हो सके माफ़ी मांगे और इन लोगों को छोड़ दें। मैं बलीम ही आपको ये चीज़ कह रहा हूँ, माफ़ी मांगे और इन लोगों को छोड़ दें। बाकी बहरहाल भाई ये तो इसकी इनकी चंद निशानियाँ थी, इनकी तो बड़ी निशानियाँ होती हैं, ये कस्टमाइजेबल लोग होते हैं, कभी भी किसी को भी देख के गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। इन्होंने ना अपने ना वो सेट किए होते हैं प्रीसेट्स कि किस बंदे को फंसाना है और किस लेवल पे जाके फंसाना है। भाई बहरहाल खुदा के लिए जितने भी मुनाफिक लोग ये वीडियो देख रहे हैं मुझसे दूर रहें भाई, मैं ऑलरेडी बहुत धोखे खा चुका हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि यार खुदा के लिए मुझे कॉन्टेक्ट ना करो अगर आप मुनाफ़कत की नीयत से कर रहे हो, क्योंकि अगर आप भी इस तरह करेंगे तो मेरे सब बुरे एक्सपीरियंसेस होते रहेंगे, फिर मैं अच्छे लोगों की भी मदद नहीं कर सकूँगा। खुदा के लिए ऐसे लोग नहीं सोचते, इनको कोई नहीं होता किसी का, इनको आखरत उखरत की तो कोई फिक्र नहीं होती। अगर आखरत की फ़िक्र हो तो इंसान मुनाफिक ना हो। बात वही है कि ये सिर्फ अपना सोचते हैं। तो प्लीज़ मेरे ऊपर अपने हथकंडे ना आजमाइएगा, ये सोच लीजिएगा कि मैंने इसमें PhD कर ली है, वक्ती तौर पे तो हो सकता है आपके ट्रैप में आ जाऊँ लेकिन लेटर ऑन नहीं आ सकूँगा। तो खुदा के लिए मेरे ऊपर ट्राई करके अपना और मेरा वक्त ना ज़ाया कीजिएगा। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे थे आप लोग भी यार इस चीज़ में PhD कर लो। PhD करने का सिंपल सा तरीका है, जो वो कह रहा है जो वो कह रही है अगर ये सच ना हुआ तो क्या होगा, ये एक सवाल अपने आप से ज़रूर करना। ये एक सवाल तुम्हें क्लैरिटी में ले आएगा, और ये क्लैरिटी में आना बड़ा ज़रूरी है। मुनाफिक इंसान से एक्सपेक्टेशंस लगाना सिर्फ अपने वक्त का ज़िया है, सिर्फ अपनी फीलिंग्स का ज़िया है, सिर्फ अपने पैसे का ज़िया है। तो ऐसे इंसान को मैं अगेन कहूँगा माफ़ी मांगे और छोड़ दें उसे, कि भाई तेरे रास्ते लग मेरे रास्ते लग। तो वीडियो का इंतजाम यही करते हैं, आई होप सो वीडियो आपको पसंद आएगी, और इस वीडियो को लाइक करें कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।